ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ये कॉइल हो गई, ये कॉइल का एक्सिस है, ये डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना थोड़ी सी गड़बड़ है। रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। Horizontal axis, so initially the axis of the coil is in the direction of the field. Achha, ek second. Ab axis of the coil, ek minute. Yahan na do axes usne discuss kare hue hain. So ye axis of the coil hai aur magnetic field isi direction. Yani NCERT ki kuch numericals mein na language badi gadbad hai. दो एक्सेस उसने डिफाइन करे हुए हैं आपके साथ। तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, फिर उसके बाद ये रोटेट करता है इसे, और रोटेट करने से कुछ कहानी में चेंज आएगा। फिर इसके बाद 90 डिग्री रोटेट करता है, द कॉइल एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जब कॉइल 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगी तो फिर आपको देखना है मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या होगा। सारे पार्ट शुरू कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट छोड़ दीजिए। फर्स्ट पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट करनी आती है आपको। सेकंड पार्ट से शुरू कर दीजिए, बी से लेकर डी पार्ट तक आ जाइए। 5 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व। भाई ऐसा मत करना है कि तुम एनसीईआरटी में 4.11 एग्जाम्पल ढूंढने लगो और कॉपी पेस्ट मार दो, वो नहीं कराना आपसे। ईमानदारी से करिए, अगर आपको हिंट की जरूरत है तो हिंट सिर्फ इतना काम चल जाता है यहाँ कि इनिशियली जो अल्फा था, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट तो एग्जिट प्लेन में है ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का यही डायरेक्शन होगा इनिशियली। ये मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इनिशियली अल्फा आई 0 है, फाइनली जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। बाद मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नहीं फायदा, चेंज करेंगे, हमेशा ऐसा ही यूज करते हैं। प्रॉपर एसआई यूनिट लेंगे। वजह इनिशियली टॉर्क 0 होगी, रोटेट आप किसी और फैक्टर से कर रहे हैं। इनिशियली एंगल 0 था, टॉर्क 0 थी, आपने थोड़ा सा उसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया। भाई जैसे हम पेंडुलम का जब ऑसिलेशन पढ़ते हैं, वजह दिया देखो, पेंडुलम इनिशियली मीन पोजीशन पर होता है, मूव नहीं करेगा, आप डिस्टर्ब करते हैं ना उसे, तब जाकर ऑसिलेट करना शुरू करता है। यही चीज कॉइल के साथ भी, इनिशियली रेस्ट में टॉर्क 0, आप थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करते हैं और टॉर्क एक्ट करना शुरू करते हैं।
अरे भाई किसे रिपीट करवाना है और क्या रिपीट करवाना है? कैलकुलेट कीजिए और आंसर्स लिखते जाइए। चलो काफी आंसर्स आ रहे हैं, सब लोग कैलकुलेट करो कुछ ही के आंसर्स हैं। चलो भाई काफी आंसर्स आ रहे हैं, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी। सो देखिए बी पार्ट से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल एम इज एन आई ए, सो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 टर्न्स, करंट इज 3.2, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो एन इज 100, करंट इज आई विच इज 3.2 multiplied by area which is pi r square, r is 10 centimeter which is 0.1 square. So यहाँ जब आप magnetic moment calculate करोगे तो ये magnetic moment आ गया, ये करा किसी ने calculate 3.2 pi into 10 raised to the power, ये 0.01 और 100 2 पाई आ जाएगा एम्पियर मीटर। सी पार्ट, मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल पोजीशन ये है, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। सो ये इनिशियली अगर ये कॉइल है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यही मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फील्ड का डायरेक्शन है और यही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। इनिशियली सिस्टम ऐसा है, मींस अल्फा जो है इनिशियल दैट इज जीरो, तो आप लिख सकते हो यहां जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क इज एम बी साइन जीरो विच इज जीरो, इनिशियली कोई टॉर्क नहीं। अब आपने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, जब आप इसे डिस्टर्ब करोगे तो ये रोटेट करना शुरू करेगा और एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से आपकी कॉइल रोटेट कर गई। इसका मतलब ये, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो यही रही, अपवर्ड्स ही रही, मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ आ जाएगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है विच इज आउटवर्ड्स। अब जो फाइनल हो गया अल्फा दैट इज 90 डिग्री, तो अब जो फाइनल टॉर्क आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज एम बी साइन 90 विच इज एम बी, ये टॉर्क ऐड करना शुरू कर दिया।
सो यहाँ अब जो टॉर्क एक्ट कर रही है दैट टॉर्क इज एम बी, जिसको फाइनल टॉर्क कहते हैं. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एम, एम मीन्स दिस इज 3.2 पाई. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज 2 टेस्ला, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा. तो फाइनल टॉर्क हो गई 6.4 पाई न्यूटन मीटर. इतनी टॉर्क एक्ट कर रही होगी फाइनल टॉर्क. ये सी पार्ट. अब डी पार्ट में कह रहा है एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. तो देखो एंगुलर स्पीड के लिए आपको ऐसे चलना होगा, टॉर्क को आप लिख सकते हैं ना आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. This I is the moment of inertia of the coil and the alpha is angular acceleration. This is angular acceleration. So, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, टॉर्क इज आई अल्फा. अब आपको यहां से अल्फा नहीं ओमेगा चाहिए, तो देखिए आप टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज आई, अल्फा को आप लिख सकते हो डी ओमेगा ओवर डी टी. लेकिन आपको लिमिट टाइम की नहीं दी है, लिमिट एंगल की दी है कि एंगल 0 से 90 डिग्री हो, तो इसको आप डी थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. और टॉर्क को आप लिख सकते हो एम बी साइन थीटा. तो ये जो डी थीटा ओवर डी टी है, इस डी थीटा ओवर डी टी को आप ओमेगा लिख सकते हो. भाई एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, वैसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा. इट्स ओमेगा इनटू डी ओमेगा ओवर डी थीटा. इस डी थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज एम बी साइन थीटा d theta is omega d omega into r. दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. जब एंगल जीरो था तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो थी, जब एंगल पाई बाई टू हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो एम बी कॉन्स्टेंट है, अलग हो जाएगा. साइन थीटा का इंटीग्रल इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट इज 0 to π/2. आई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा. ओमेगा का इंटीग्रल इज ओमेगा स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज 0 to ω. माइनस बाहर ले जाओ, सो इट्स माइनस एम बी, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, ये आई बाई टू अलग हो गया, इट्स ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो. देखो cos pi by 2 तो 0 है, cos 0 minus 1 तो ये तो mb हो जाएगा. So mb is i by 2 multiplied by omega square. यहां से आप omega calculate कर सकते हैं. So omega आ जाएगा 2 mb by i. भाई ये i moment of inertia है, ring का moment of inertia होता है mr square, ring का mass into r square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफेक्ट दिया हुआ है, 0.1 दिया है. वजाहत कुछ पूछ रहा है क्या वजाहत? अल्फा आपका कांस्टेंट आएगा क्या? अल्फा कांस्टेंट तो नहीं आएगा ना, अल्फा तो थीटा पर डिपेंड करेगा. तो आप ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर यूज नहीं कर सकते. वो इक्वेशन तो तब यूज करते हैं व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. तो यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर, यूज नहीं कर पाएंगे. भाई इतना हो जाए बताइए, एनसीईआरटी की कुछ और प्रॉब्लम्स कर दी.
डी पार्ट नहीं समझ रहा। देखिए तबस्सुम डी पार्ट में वो आपसे कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यहां से आ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है डीवी ओवर डीटी, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा ओवर डी। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसी टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप यहां से लिख सकते हो टाउ इज आई अल्फा, आई इज दिस, अल्फा को मैंने लिख दिया डी ओमेगा ओवर डी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिमिट आपको एंगल की टर्म्स में दी, तो मैंने डी थीटा बाय डी थीटा कर दिया। तबस्सुम ये डी थीटा ओवर डी टी समझ में आ रहा है क्या? डी थीटा ओवर डी टी तबस्सुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा डी थीटा ओवर डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी। सो यहां पर कहीं भी ना टाइम गिवन नहीं था, तो टाइम हटाने के लिए मैंने डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डी थीटा ओवर डी टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो डी थीटा ओवर डी टी को ओमेगा लिख दिया और ये आ गया डी ओमेगा ओवर डी टी। एम बी साइन थीटा इज आई डी ओमेगा ओवर डी टी, इस डी थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया। इनिशियली कॉइल रेस्ट में थी तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो, और इनिशियल एंगल भी कितना था जीरो, तो इसे जीरो कर दिया। जिसे मैं यहां अल्फा कह रहा हूं उसको मैंने यहां थीटा लिया हुआ, सिर्फ इसलिए मैंने अल्फा नहीं लिया कि दो अल्फा हो जाएंगे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी और अल्फा एंगल भी, तो परेशान करेगा। सो जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी तो एंगल जीरो था इनिशियल, फाइनली जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। बस मैंने इंटीग्रेट करा है, तब उसमें इंटीग्रल क्लियर। और किसी का कोई डाउट इसमें? अभी तो बहुत न्यूमेरिकल्स है, सेम कॉन्सेप्ट। रब करूं इसे, अरे रब करूं इसको। अभी देखिए कल जो हमने टॉर्क कैलकुलेट करी थी उसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। केस वन, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, या कॉइल का प्लेन ले लो वो फील्ड के परपेंडिकुलर। सो ये मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल को कुछ ऐसे रख दिया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो देखो कॉइल का प्लेन तो परपेंडिकुलर है बट मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट, ये प्लेन है, एंगल इज 90। तो यहां पर देखो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होती है, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया नेट फोर्स जीरो,
जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, टॉर्क विल बी एम बी साइन जीरो, तो टॉर्क भी जीरो दे। तो ये जो केस है, दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर आप इसे रोटेट भी कर दें कॉइल को, तब भी ये कॉइल दोबारा उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जहां से चला था। मींस अगर आप इसे डिस्टर्ब कर दें और छोड़ दें, तो दोबारा से सिस्टम इसी कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस टू, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक, तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड के एंटी पैरेलल, और प्लेन तो परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो अगर ऐसा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल कुछ ऐसे रखी हुई है, एंटी पैरेलल रखी हुई है, तो इसको आप तो कि ये कॉइल ऐसे रखी है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट, दे आर एंटी पैरेलल, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो, टॉर्क भी जीरो आएगी, एम बी साइन 180 अभी भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस किया था स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल इसलिए कि अगर आपने इसे थोड़ा सा भी मान लो इधर डिस्टर्ब कर दिया और छोड़ दिया, तो ये रोटेट कर इस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इस वाली कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसीलिए अनस्टेबल है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन रीगेन नहीं करता। केस थ्री देखिए, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, तो ये कुछ ऐसा समझो कि ये तुम्हारी कॉइल का प्लेन है, बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में कॉइल का प्लेन दिया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रखा हुआ, या इसे हम एग्जिट प्लेन में ले लेते हैं, ये तुम्हारी कॉइल है एग्जिट प्लेन में, ऐसे रखिए, ये मैग्नेट, ये करंट का डायरेक्शन है, इधर मैग्नेटिक मूवमेंट, ये एंगल 90 डिग्री, नेट फोर्स तो अब भी जीरो होगी, बट जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इट्स एम बी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो जो टॉर्क होगी वो मैक्सिमम टॉर्क होगी विच इज एम बी, सो ये कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रही है विच इज एम बी। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और परपेंडिकुलर। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर वो कहीं कह दे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये गैल्वेनोमीटर में बहुत कॉमन टर्म यूज करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो द फील्ड इज रेडियल, दैट मींस ये वाला केस, रेडियल मींस एंगल इज 90 डिग्री, इतना लिखो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है।
इतना लिखिए, फिर इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉर्क जीरो है जोया, टॉर्क जीरो है, सेकंड केस में कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही, टॉर्क इज जीरो। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखो लिखो जोहेब लिखो, उसके बाद रख करते हैं। जोएब हो जाए तो बताना मुझे, इसको रब कर। इब्राहिम रब करूं अब? इब्राहिम अच्छा, फिर से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। देखो ये 4.24 क्वेश्चन है, इसे लिख लो क्योंकि डायग्राम इसके नेक्स्ट पेज पर है। 4.24 क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए, डायग्राम इसके नेक्स्ट पेज पर है। देखो गिवन क्या क्या है आपको, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। 3000 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, कॉइल की डायमेंशंस गिवन है 10 cm × 5 cm, टॉर्क कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस ढूंढना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल। यहां देख, ये सिस्टम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो कुछ डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है 3000 गॉस, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट 0.3 टेस्ला। एरिया निकाल लेते हैं 10 × 5, एक डायमेंशन 5 है, दूसरी डायमेंशन 10 गिवन, सो एरिया 5 × 10 हो जाएगा विच इज 50 cm². 50 × 10⁻⁴ मीटर्स।
ये एरिया कुछ करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, करंट कितना था, करंट शायद 10 एम्पीयर था, 12 एम्पीयर का करंट जा रहा है। सो यहाँ जो करंट गवन है, करंट इज 12 एम्पीयर। हर पार्ट में आपको मैग्नेटिक कैलकुलेट करना है और फिर टॉर्क कैलकुलेट करना है। फातिमा ये है क्वेश्चन 4.24। तो ये सब तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ए पार्ट सॉल्व करते हैं। सो देखो एक्सिस जरा देख लेना, ये वाई एक्सिस है, बाहर एक्स एक्सिस आ रहा है, ऊपर जेड एक्सिस है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है वो 0.3 के कैप दी है। जो एक्सिस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, ये जेड दिया है तो आप इसे जेड लोगे, इसे वाई मत लेना। मैग्नेटिक मोमेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई। सो यहां जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है 20, करंट है 5, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता तो एक टर्न है, करंट है 12, एरिया है 5×10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। जब वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये 60×10⁻³.6 हो जाएगा। डायरेक्शन बताओगे मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का, डायरेक्शन क्या दिख रहा है इस केस में? डायरेक्शन आउटवर्ड, यस डायरेक्शन आउटवर्ड्स आएगा। आउटवर्ड्स मींस एक्स एक्सिस के लॉ आई क्या। अब जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, देन टॉर्क इज एम क्रॉस बी, सो इट्स 0.6 आई कैप क्रॉस 0.3 के कैप। 6×3 = 18 हो गया, 1.8। अब आपको आई क्रॉस के चाहिए। देखिए आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे होता है, ऐसे याद रखते हैं ना, आई जे के क्लॉकवाइज जाते तो पॉजिटिव होता है, के से आई लेते तो जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के है, सो इट्स माइनस ऑफ जे का न्यूटन मीटर। इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता तो टॉर्क जीरो आती, फोर्स जरूर जीरो होगी, हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होता है। अब आपका जरा काम है कि आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाइए, सी सॉल्व करके दिखाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो सी सॉल्व करो। सी पार्ट सॉल्व करके दिखाइए मुझे क्या रहा है।
हाँ जैद फोर्स हर केस में जीरो होगा। सी पार्ट का आंसर बताइए। अच्छा सनाउल का सेम ही आ रहा, भतीजा का भी सेम आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते। देखो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहां से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। भाई जरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहा है आप लोगों का इस केस में? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वेरी गुड, माइनस जे कैप है ना। सो करंट के साथ कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जा रहा है। करंट के साथ कर्ल किया, थंब लेफ्ट में जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज माइनस जे का। माइनस जे, तो जब आप टॉर्क लोगे, टॉर्क इज एम क्रॉस बी। सो एम इज 0.6 इंटू माइनस जे का 0.6 इंटू माइनस ऑफ जे का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 0.3 के का। सो 0.18 माइनस साइन आ रहा है, जे क्रॉस के आ रहा है, जे क्रॉस के आई हो जाता है। सो टॉर्क आ गया माइनस 0.18 आई कैप न्यूटन मीटर, और नेट फोर्स तो अब भी जीरो। अब ये करना है आपको, डी पार्ट करना, डी पार्ट और सॉल्व करना। करिए जरा डी पार्ट ट्राई कीजिए। ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, ये वाला। जीरो नहीं यार, जीरो तो नहीं आना चाहिए मजाक।
पैरलोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल देना। नहीं 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 वजह नहीं, नहीं 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 तुम सिर्फ देखो, सुनो सुनो भाई, देखिए सुनिए, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि जो आपकी कॉइल है ये कॉइल रखी हुई कैसे, मतलब ये अगर मैं इसको कॉइल ले लूँ, सो ये कॉइल ऐसे टिल्ड करके रखी हुई, ऐसी रखी हुई ना, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये प्लेन ऑफ कॉइल है, दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट को जिस डायरेक्शन में जाएगा। ओके अलीजा, काफी आंसर आ रहे हैं, अभी चेक करते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन, इनवर्ड्स जाएगा, ये है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक। अच्छा ओके हाँ, यस 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 यस, आउटवर्ड्स है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहां कहीं आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ये एंगल 60, ये मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे जा रहा है, देखो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है बाहर, ये y एक्सिस है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनके बीच में कहीं आ रहा है, ऐसा होगा। ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो बड़ा परेशानी हो जाएगी मेरे लिए आपको समझाना है, जो थ्री डायमेंशनल डायग्राम, देखिए ये जो पेन में दिखा रहा हूँ दिस इज y एक्सिस, ये जो मैं बाहर दिखा रहा हूँ आउटवर्ड्स, दिस इज x एक्सिस, सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज समवेयर इन बिटवीन, ऐसा है मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके बीच में आप, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के मुझे कॉम्पोनेंट्स बता सकते हो कहाँ कहाँ जाएंगे, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, किन प्लेन्स में कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक मिनट एक मिनट। हाँ तो मैग्नेटिक मूवमेंट के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स, एक तो यार दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, रुको जरा, यहां कहीं मैग्नेटिक मूवमेंट है प्लेन के परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा, मुझे इस एंगल की जरूरत है, ये एंगल मैग्नेटिक मूवमेंट और कॉइल के प्लेन के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितना आ जाएगा, एक एंगल आएगा 100, ना ना एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा ना, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में, नहीं सॉरी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, अब जब कंपोनेंट्स लेंगे ये एंगल 90 डिग्री है,
ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, मुझे जरा सा यार ये वाला एंगल बता दो कितना आएगा, ये एक्स के साथ या वाई के साथ एंगल कितना है। एग्जिट प्लेन में क्यों नहीं आ रहा? उसका ज्योमेट्री की वजह से। अगर आप इस कॉइल को आपने ऐसे रखा हुआ है, ये कॉइल इस ऐसे रखी हुई है, एक जेड एक्सिस के अलोंग है, टेंशन बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई प्लेन में कहीं लाई करेगा ना। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन जेड ऊपर है, अब ये जेड है, बाहर वाला एक्स है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ये देखने दो जरा सा मुझे, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये पूरा 90, तो ये 30 हो गया। अब आप मैग्नेटिक मूवमेंट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा m cos 30 एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा m sin 30। नेगेटिव एक्स वाई प्लेन नहीं होता, y नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट जाएगा और एक x के अलोंग ऐसे जाएगा। एक कंपोनेंट नेगेटिव y के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट x के अलोंग, परपेंडिकुलर तो वैसे ही होगा। तब बस तुम नहीं समझ में आया परपेंडिकुलर मींस। तब बस तुम क्या कहना चाह रही हो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये इसके तो परपेंडिकुलर है, प्लेन के तो परपेंडिकुलर है हर हाल, ये वाला एंगल 90 डिग्री। आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लो, टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज m cos 30 आई गैप माइनस m sin 30 जे गैप। तो एक कंपोनेंट पॉजिटिव x के लॉन्ग है, एक नेगेटिव y के लॉन्ग। जरा मुझे बताओगे मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन कितना आया था? m कॉमन आ जाएगा, cos 30 आई गैप माइनस sin 30 जी। भाई ये बता दो मुझे एक्सप्रेशन क्या था, मैग्नेटिक वैल्यू क्या थी? 0.6। सो दिस इज 0.6, cos 30 is root 3 by 2 i cap, sin 30 is half j cap. ये magnetic moment आ गया, half भी बाहर ले जाओ, so m आ गया 0.3। भाई इसे ढंग से देखिएगा, आप जितनी books में इसके solutions देखेंगे कोई detailed solution नहीं है, even net पे भी इसका detailed solution नहीं है, सिर्फ direct 90 degree लिखते हैं, ऐसे solve कर देते हैं, m b sin 90 खत्म कर देते हैं, कोई डिटेल नहीं होती। तो रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 0.3 के कैप। टॉर्क जब आप कैलकुलेट करेंगे इट्स एम क्रॉस बी नॉट। सो यहां टॉर्क हो जाएगा, और अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डी पार्ट ऐसा है जो एग्जाम जो एंट्रेंसेस में आ सकता है, बाकी कहीं किसी के चांसेस नहीं। तबस्सुम बस एक मिनट में इसको लिख दूं, फिर उसके बाद में आता हूं। माइनस जे कैप क्रॉस 0.3 के का। हाँ तबस्सुम बताइए। तबस्सुम आपको पूछ रही थी बेरना सर, मैं ऊपर के दो परपेंडिकुलर रिपीट कर दी। देखिए तबस्सुम, ये कॉइल का प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, ऐसे रखी हुई है। मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो कॉइल अगर ऐसे होती तो एक्स नेगेटिव एक्स के अलोंग होता, थोड़ा सा टिल्टेड। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बनाऊं, ये y एक्सिस ले लेता हूं, और अगर मैं इसे x एक्सिस ले लेता हूं,
तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज द प्लेन ऑफ द क्वाइल, तबस्सुम यहाँ देखिए, ये प्लेन है क्वाइल का, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे जाएगा, सो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ऐसे ले रहा हूँ, तबस्सुम हुआ कुछ क्लियर? अरे बाप, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए माइनस जे कैप यूज कर रहे। हाँ तबस्सुम टिल्टेड है तभी तो इस इन बिटवीन एक्स और वाई आ रहा है, अगर टिल्टेड नहीं होता, स्ट्रेट होता अगर ये प्लेन, तब तो सीधे सीधे वाई के अलोंग चला जाता। जैसे अगर मैं इसको स्ट्रेट रख दूं तो परपेंडिकुलर तो वाई के लॉन्ग जाए, टिल्टेड है इसीलिए इन बिटवीन एक्स एंड वाई जाए। अब सुन, हमको कुछ क्लियर हुआ डायरेक्शन? ये देखो टिल्टेड प्लेन ही तो बनाया मैंने, यहां देखो, यहां प्लेन इन बिटवीन एक्स एंड वाई, वजह यूजुअली जब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करने में हम एरिया को ना रिजॉल्व कर कर मैग्नेटिक मोमेंट ही रिजॉल्व करते हैं, एरिया वेक्टर नहीं है ना वहां, तो एरिया को अगर रिजॉल्व करोगे तो तुम दो मैग्नेटिक मोमेंट्स लोगे फिर सॉल्व करोगे भाई। वजह ये है ना, एम इज इक्वल टू एन आई ए, इसमें इकलौता वेक्टर है जो ये है, आप इसे रिजॉल्व करिए, दो मैग्नेटिक मोमेंट बना लीजिए, या आप यहीं से एक मैग्नेटिक मोमेंट को रिजॉल्व कर दीजिए, बात तो एक ही है, कोई फर्क तो नहीं आएगा, क्योंकि एन और आई तो वेक्टर्स हो नहीं सकते। हाँ तबस्सुम दोबारा देखो, भाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे बताओ, अगर क्वाइल ऐसे रखी हुई है, ये क्वाइल है, वीडियो में भी देखो, ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, तब बस मुझे बताओ कि इस पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर ये क्वाइल है और इस पे मैं नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में जाएगा? तब बस ये सिंपल, मैंने एक प्लेट रखी हुई है परपेंडिकुलर वाई के लॉन्ग, वेरी गुड, यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ कर्व। अब अगर इसी प्लेन को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, मैंने प्लेन को ऐसे टिल्ट करके बना दिया, ये ड्रॉ करा है, अब बताओगे तो बस सुन, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट अब भी वाई के लॉन्ग होगा या मैग्नेटिक मूवमेंट भी टिल्ट हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट अब भी वाई के लॉन्ग होगा या मैग्नेटिक मूवमेंट टिल्ट हो जाएगा? ऐसे ही होगा, पहले वाई के लॉन्ग था ऐसा, अब टिल्ट हो गया। हाँ भाई ऐसे ही होगा, अच्छा अब ये बताओ, ये प्लेन था कॉइल का, ये मैग्नेटिक मूवमेंट था, दोनों में एंगल कितना है मैग्नेटिक मूवमेंट और प्लेन ऑफ कॉइल में? They are perpendicular. Magnetic moment is always perpendicular to the plane of curve. अगर ये angle 30 दिया हुआ है, so ये कितना हो जाएगा? ये वाला angle 60. ये angle कितना आ गया? 30. इसलिए इसे मैंने 30 दिया हुआ। हाँ तबस्सुम अब क्लियर है? सो अब जब आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, m cos 60 ये आ गया, m cross b करना है बस, सो यहां टॉर्क आ जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ कर दो, सो दिस इज 0.3। अच्छा किसी का डाउट फोर्थ स्टेप में भी था, ये 2 में बाहर ले गया, जब मैं 2 में बाहर ले गया 0.6 बाई 2 हो गया, 0.6 बाई 2 इज 0.3,
सो इसका क्रॉस पहले इसके साथ लेना होगा, इट्स 0.3 रूट थ्री आई कैप क्रॉस 0.3 के का माइनस पॉइंट थ्री जे कैप क्रॉस 0.3 के का, तो 0.3 रूट थ्री आ जाएगा, तो ये आ गया 0.3 × 0.3 0.09 रूट थ्री आई क्रॉस के माइनस जे होता है माइनस 0.09 जे क्रॉस के आई होता है, तो ये टोटल टॉर्क। आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क का, इट्स रूट ओवर 0.09 रूट थ्री स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 0.09 स्क्वायर। यहां से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना लिख लीजिए और इसे जरा ढंग से करिएगा, ये बस एक टफ पार्ट है, बाकी तो सब सीधे सीधे। क्लियर हुआ सबका? बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी बुक में इसके सॉल्यूशंस देखिए, आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इवन एसएल वेसल जिसने भी सॉल्यूशन दिए हुए, किसी ने प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया। ये तो आपको टीचर्स के क्लास लेक्चर में मिलेगा। चलिए, इसी के साथ टॉर्क वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया, विच इज गैल्वेनोमीटर और वहीं से एमीटर और वोल्टमीटर। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज को मैं यहीं छोड़ता हूँ।